रुको जरा करो। खत्म सो हेलो आपके पी एस गेम में तो यार थैंक यू फॉर फिफ्टी सब्सक्राइबर फैमिली तो आज हम इसी स्पेशल वीडियो में करने वाले हैं फ्री फायर वर्सेज पबजी मोबाइल लाइट कंपेरिजन अरे 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 पूरी बात तो सुनिए फ्री फायर वर्सेज पबजी लाइट कंपेरिजन इन ग्राफिक The... अरे अरे रुकिए रुकिए इससे पहले आप कमेंट में कुछ ऐसा वैसा लिखिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ पूरी वीडियो देखिएगा फिर आप अपना सजेशन दीजिएगा दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम ऐसे कोई हीन भावना से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ एक फैन टाइप है आप अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए वरना तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते लेकिन इससे आपको दोनों में मजा आएगा वीडियो मजे के लिए बस देखिए और क्या तो चलिए बिना किसी देरी के वर्ल्ड गेमिंग टॉक्स के एपिसोड नंबर फोर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंपैरिजन से पहले हम वो काम करेंगे जो कि हर एक यूट्यूबर को पसंद है और व्यूवर को नहीं पसंद है वो है अपनी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाना वो कैसे स्पेसिफिकेशंस या तो लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं थोड़ी ये पुरानी स्पेसिफिकेशन है मैं ये तब के स्पेसिफिकेशन लूंगा जब पबजी मोबाइल लाइट इंडिया में था और फ्री फायर तब था क्योंकि अगर हम अभी का फ्री फायर और तब का पबजी मोबाइल लाइट करेंगे तो काफी ज्यादा आ जाएगा अंतर साइज में तो बहुत अंतर है सीधा हंड्रेड एम का साइज में अंतर है दोस्तों तो चलिए दोस्तों तो सीधा स्टार्ट करते हैं पबजी मोबाइल लाइट से अगर हम पबजी मोबाइल लाइट की साइज की बात करें वो है छह सौ एम बी ऑपरिटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड फोर पॉइंट वन रैम है वन जी बी रैम और टू जी बी रैम रिकमेंडेड है लेकिन आप वन जी बी रैम में भी खेल सकते हैं प्रोसेसर Qualcom Processor अगर बात करें फ्री फायर की तो उसकी डाउनलोड साइज ऐसा सिक्स हंड्रेड एट एम अब की सेवन हंड्रेड एंड सिक्स एम बी चुका है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड फोर पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री जो कि लगभग एकदम बराबर है पबजी और इसका और रैम में तो कोई अंतर नहीं है मीडिया टेक एम टी सिक्स सेवन थ्री सेवन एम क्वाड कोर तो आपने देख लिया स्पेसीफिकेशन क्या है उसके और ये एकदम मिनिमम स्पेसिफिकेशन है कोई हाइस्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है मतलब मिनिमम आपको इतना चाहिए और इसके आगे का भी आपका चलेगा एकदम वही अगर हम थोड़ा सा गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले में यहाँ पे अगर हम फ्री फायर की बात करते हैं तो वैसे तो गेम प्ले टेन मिनट का यहाँ पे वेबसाइट बताती है लेकिन असलियत में अगर आप एकदम लास्ट तक जाए तो फिफ्टी टू सिक्स मिनट का ये गेम प्ले हो जाता है और दोस्तों आपको जाना यहाँ पे आपको आता है फोर्टी नाइन प्लेयर आपको यहाँ पे होते हैं जिनके सामना आपको करना पड़ता है एक रिमोट आइलैंड में और जो लास्ट सर्वाइवर होता है वो होता है विनर यही बात करेंगे हम पबजी मोबाइल लाइट की तो इसमें भी सेम होता है लेकिन बस यहाँ पे सिक्सटी प्लेयर होते हैं जहाँ पे हमें टू इंटू टू किलोमीटर आईलैंड मिलता है मैप का और जहाँ पे काफी ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं छुपने के हाइडिंग प्लेस होती हैं और सिंकिंग बैटल फील्ड होता है। वैसे तो दोनों में श्रिंकिंग बेटर फील्ड है आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा रेंज में मत आ जाइए कि दोनों में एकदम अच्छा कंपैरिजन कर रहा हूँ वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों गेमों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है गेम प्ले के हिसाब से दोनों बैटल रॉयल गेम में लेकिन यहाँ पे आ जाता है अंतर ग्राफिक का जो कि काफी ज्यादा अलग है ग्राफिक आ, दोनों गेम्स के तो देख लेते हैं क्या इनके ग्राफिक की स्पेसिफिकेशन से अगर हम ग्राफिक कम्पेरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे पबजी मोबाइल लाइटो से अनरियल इंजन फोर ने बना जिससे आपको सीधा एक रिजल्ट मिल रहा होगा लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ी और बात करें तो ये हमें काफी ज्यादा रियलिस्टिक टेक्स टेक्सचर्स मतलब टेक्सचर्स मतलब आप जानते हैं और काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर होते हैं और बहुत सारी स्कीम्स होती हैं और बहुत सारे फ्रेम रेट अच्छा है इसका और वैसे तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं पीछे इसकी थोड़ी ग्राफिक कम है आ, वो एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि अभी तो मैं खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ अपने क्योंकि आपको पता ही है अभी तक आया ही नहीं पूछी मोबाइल लाइट वैसे फ्री फायर को मैं फ्री फायर का आपको गेम प्ले दिखा सकता हूँ वो एकदम अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा वहीं अगर बात करें फ्री फायर की तो इसकी ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा कार्टूनिस्टिक होती है और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आ, स्टाइलिंग मतलब कि रियलिस्टिक टच उतना नहीं है और ग्राफिक स्टाइलिंग इसके में रियलिस्टिक टच इतना नहीं देती लेकिन इसकी स्मूथ ग्राफिक बहुत तगड़ी है एज़ कम्पेयर टू पबजी और इसमें बहुत अगर हम कलर देख जाए तो कलर जो रिमास्टर्ड वर्जन है वो मुझे सबसे अच्छा लगा उसके बहुत तगड़े कलरफुल मतलब कि वो है एकदम मैप और इसके जो फ्रेम है वो उसके बहुत तगड़े क्योंकि इसके अगर आप अगर हाई एफ में खेलेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं अभी आप जो देख रहे हैं इसके कुछ तगड़े व्यूज हैं ये बहुत तगड़ा है आप दोनों में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा ग्राफिक का अंतर है अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर दोनों ही गेम को देखा जाए तो दोनों जो 60 एफ वाला जो इनका मोड होता है वो दोनों ही में कमी है मतलब कि वन जी बी रैम और टू जी बी रैम में आपका 60 एफ नहीं चलेगा दोस्तों तो वैसे अगर बात करें कि इसमें विनर कौन है तो अगर ज़्यादातर देखा जाए तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो तो उसी को विनर ठहराते हैं ग्राफिक में जिसकी ग्राफिक ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच देती है तो यहाँ पे तो आपको पता है पबजी की ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री फम तो दोस्तों इसका मतलब कि ग्राफिक में कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पबजी आ गया लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अलग अलग ग्राफिक्स के गेम पसंद हैं अगर ऐसा ही अगर देखा जाएगा ग्राफिक के मामले में अगर इसी ग्राफिक्स अगर हम जज करें तो फिर इस हिसाब से फोर्थ तो एकदम बच्चों का गेम कहना पड़ेगा सबको लेकिन ऐसा नहीं है वो फोर्थ बहुत ज़्यादा चलता है

पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा